नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी रोजाना अमर सिंह व्लॉग्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बंडा की सब्जी, वो भी सरसों के मसाला में। तो देखिए, मैंने बंडे को काट के छील के उसे उबलने के लिए रख दिया, तो मैं उसमें दो विसल लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे पास है पीली सरसों, काले मिर्च, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च, इसे मैं पीसूंगी। मैंने टमाटर भी मिक्सी में ले लिया है, मेरे पास दो टमाटर है, देसी टमाटर है, ये बहुत खट्टा है तो मैंने दो ही लिया है मीडियम साइज़ के। और मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ मैंने बंडा को फ्राई कर लिया है और बचे हुए तेल में ही मैं यहाँ पे मेथी और जीरे का तड़का दे रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा हींग भी डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी वो जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया है, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। उस पर मैं इसमें डालूँगी नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो बहुत तीखा हो जाएगा। तो ये मैं एक कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और मैं इसे तेल आने तक मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। इसमें ज़्यादा मसाला हमें नहीं डालना रहता, सरसों के मसाला में बहुत ही कम मसाले लगते हैं। इसमें सरसों का ही ज़्यादा फ्लेवर आता है और टमाटर का थोड़ा खट्टा खट्टे लगता है, अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मसाला हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है और मेरा बंडा थोड़ा सा ज़्यादा था, मुझे तो रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने यहाँ बंडे का चोखा भी बना लिया है। रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी अलग वीडियो में। और ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसकी गुठलियाँ अच्छे से निकाल लूँगी, उसके बाद में थोड़ा इसमें पानी और डालूँगी। और इसमें पहले एक बॉयल जब आ जाएगा तब मैं इसमें फ्राइड बंडा और एक टमाटर मैंने छोटा काट के रखा है, मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए, अब मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है और ये देखिए हमारा बंडा और ये टमाटर, देखिए मेरे पास छोटा टमाटर है मैंने काटा, मैं इसमें ये भी डालूंगी, ये अच्छा लगता है खाने में। तो मैं इसे वो ढक देती हूँ, इसे एक बॉईल आने देती हूँ। तो भी देखिए, इस पर एक बॉईल आ गया है, तो मैं इसमें वो टमाटर और बंडा ऐड कर दूँगी। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि बंडा हमारा ऑलरेडी फ्राइड है और मैंने इसे बॉईल किया था, तो ये ऑलरेडी अच्छे से पका हुआ है। बस इसे मसाले में थोड़ी देर हमें छोड़ना है, पाँच मिनट के आसपास, ताकि टमाटर भी हल्का सा गल जाए और बंडा में जो है वो सरसों के मसाले का फ्लेवर एब्जॉर्व कर ले। तो मैं इसे ढक के मीडियम आँच पर रख देती हूँ 5 मिनट के लिए और हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी फिर फटाफट। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है, सरसों के मसाले में बंडे की सब्ज़ी। और दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती कैसी बनी थी। तो चलिए, आज का ये छोटा सा व्लॉग था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक